शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ जो इसराइल से आ रही है। इसराइल के नहारिया पर हिजबुल्ला ने हमले किए हैं, नहारिया पर हिजबुल्ला ने बरसाए हैं रॉकेट, आयरन डोम ने गिराए हिज्ब के कई रॉकेट, नागरिकों को शेल्टरों में जाने की सलाह दे दी गई है इसराइल द्वारा। तो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं हिजबुल्ला द्वारा इसराइल पर। हिजबुल्ला ने इसराइल को निर्जन बनाने का समुद्र मंथन प्लान एक्टिवेट कर दिया है। 14 जुलाई की रात से हिजबुल्ला इजरायली धरती पर भीषण हमले कर रहा है और ये क्रम 16 जुलाई की रात और 17 जुलाई को भी जारी रहा। लेकिन हिजबुल्ला ने रणनीति में बदलाव करते हुए भूमध्य सागर में इजरायल की सबसे अहम शक्ति को टारगेट करना शुरू कर दिया है। हिजबुल्ला ने इजरायल के ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड पर हमले किए हैं। इसराइल के लिए हिजबुल्ला के ये हमले सबसे बड़ा संकट है। अगर एक भी हमला सटीक हुआ तो समंदर से इसराइल पर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। देखिए क्या है हिजबुल्ला की रणनीति और इससे इसराइल कैसे वीरान हो सकता है। हिजबुल्ला ने बिना एटमी हथियारों के इसराइल में सबसे बड़े विनाश की तैयारी कर ली है। विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और हिजबुल्ला की मिसाइल फोर्सेस ने इस पर कदम भी बढ़ा दिया है। हिजबुल्ला का प्लान है शक्तिशाली इसराइल की वॉर मशीनरी को ठप कर देना और इसके लिए धरती से लेकर समंदर तक प्लान तैयार किया गया है। हिजबुल्ला के प्लान का एपिसेंटर है इसराइल का हाइफा और अश्कलोन। उत्तरी इसराइल के इन शहरों से लेकर समंदर तक हिजबुल्ला ने बहुत बड़े हमले शुरू कर दिए। ये हिजबुल्ला के इजरायली धरती पर किए गए रॉकेट हमलों की तस्वीरें हैं। बीती रात हिजबुल्ला ने इजरायल के किरियत मोस्किन पर रॉकेटों की बरसात की। मोस्किन इलाके में हिजबुल्ला ने एक साथ 20 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। हालांकि इसराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने हिजबुल्ला के सभी रॉकेट हवा में नष्ट कर दिए। इसके साथ ही हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल के कई शहरों पर रॉकेटों की बरसात की। बीती रात हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी इलाके के करीब करीब सभी शहरों पर रॉकेट हमले किए। हिजबुल्ला के हमले पूरी रात जारी रहे और सुबह तक किरियत शिमोना में हिजबुल्ला के कई रॉकेट गिरे। हिजबुल्ला ने 16 जुलाई की रात पहले घंटे में ही 50 से ज्यादा रॉकेट दागे। इसराइल पर हिजबुल्ला ने बीती रात 150 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। इसराइल के मेतुला, शेलुता, शेबा फार्म्स, किरियत शिमोना, किरियत मोस्किन, हाइफा, एश्कलोन सहित कई शहरों को टारगेट बनाया गया। इसराइल ने हिजबुल्ला के 133 रॉकेट इंटरसेप्ट किए हैं और हिज्ब के 17 रॉकेट इसराइल की जमीन पर गिरे हैं। 14 जुलाई के बाद से लगातार इसराइल पर हिजबुल्ला के हमले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब हिजबुल्ला ने इसराइल के विनाश का समुद्री बंदोबस्त कर लिया है। हिजबुल्ला का प्लान है इसराइल के ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड पर मिसाइल हमले करना। बीती रात इजरायली शहरों पर हमले करने के साथ साथ हिजबुल्ला ने भूमध्य सागर में भी मिसाइल हमले किए। इजरायली नेवी ने हिजबुल्ला के 7 ड्रोन और मिसाइल हमले इंटरसेप्ट किए हैं। हिजबुल्ला का टारगेट है इजरायल के ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड।
हिजबुल्ला इन ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड पर हमले क्यों कर रहा है, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। लेकिन पहले ये जानिए कि हिजबुल्ला ने इसराइल के कौन कौन से ऑयल और गैस फील्ड पर हमले किए हैं। हिजबुल्ला ने भूमध्य सागर में बने इसराइल के ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड पर हमले किए। इनमें पहला है नोवा वन। ये इसराइल का नेचुरल गैस रिज है। ये गैस रिज इसराइल के तटीय शहर एश्कलोन से 40 किलोमीटर दूर है। इसराइल यहाँ 1999 से गैस निकासी कर रहा है। हिजबुल्ला का दूसरा टारगेट बना है मारी बी। ये भी इसराइल का नेचुरल गैस रिज है। इसराइल का ये गैस रिज भूमध्य सागर में नोवा वन से 15 किलोमीटर आगे है। इस फील्ड में 45 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस भंडार है। इजरायली पेट्रोलियम मंत्रालय यहां 2004 से गैस निकासी कर रहा है। हिजबुल्ला का तीसरा टारगेट बना तमार गैस फील्ड। ये भी नेचुरल गैस रिज है। ये रिज इजरायल के हाइफा शहर से 90 किलोमीटर दूर भूमध्य सागर में है। यहां भी 1999 से गैस निकासी की जा रही है। हिजबुल्ला का चौथा टारगेट है लेवियाथन गैस फील्ड। ये भी इजरायल का नेचुरल गैस रिज है। ये तमार गैस रिज से पश्चिम में 30 किलोमीटर आगे है। ये 810 बिलियन क्यूबिक मीटर वाला इसराइल का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। इसके अलावा हिजबुल्ला रॉकेट फोर्सेस ने कारिश, तापिन और डॉल्फिन ऑयल गैस रिज पर हमले की कोशिश की है। इसराइल के ये गैस और ऑयल रिज एफ्रोडाइट नेचुरल फील्ड में बने हुए हैं। ये तीनों रिज साइप्रस के पश्चिम में है और साइप्रस तट से 40 किलोमीटर दूर है। हिजबुल्ला के इन हमलों से इसराइल के लिए बेहद गंभीर स्थिति बन गई है। इसराइल चाहकर भी हिजबुल्ला के खिलाफ बड़ा कदम उठाने से बच रहा है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिका दौरा 22 जुलाई को है। इसराइल उससे पहले कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करना चाहता है, लेकिन ऑयल फील्ड पर हमले करने के बाद स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो गई है। इसराइल के ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड पर हमले सटीक हुए तो संकट बहुत गंभीर होने वाला है। इसराइल की पावर कंपनियां नेचुरल गैस पर निर्भर करती हैं। इसराइल के सभी थर्मल पावर प्लांट नेचुरल गैस से चलते हैं। अगर नेचुरल गैस रिज ध्वस्त हुए तो सभी थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। इससे 70% इसराइल की बिजली आपूर्ति ठप हो जाएगी। ब्लू लाइन के नजदीक बनाए ठिकानों से हिजबुल्ला हमले कर रहा है और यूएन की सिक्योरिटी टीम के साथ TV9 ब्लू लाइन वॉर जोन के बहुत करीब पहुंचा। हम इस समय मौजूद हैं साउथ लेबनन के इलाके में और ये वो इलाका है जो गोलान हाइट के बिल्कुल ठीक पास है और इस समय हम यूएन के साथ हैं। यूएन वो अकेली फोर्स है यहाँ पर जो इस पूरे एरिया में यानी लेबनन, साउथ लेबनन और इसराइल के बीच में एक जगह आखिरी पोस्ट पर मेंटेन रहती है ताकि यहाँ पर पीस और यहाँ के लोगों की चीज़ों को का देखभाल कर सके। लेकिन यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि यूएन की फोर्सेज को भी टारगेट किया। इसराइल में बिजली आपूर्ति ठप होने का मतलब है सभी व्यावसायिक काम ठप हो जाना। ऐसे में इसराइली अर्थव्यवस्था चौपट होने का खतरा मंडराने लगेगा। इसराइल पहले से ही एक बड़े संकट से जूझ रहा है और वो है उसका समुद्री कारोबार ठप हो जाना। इसराइल को इस मोर्चे पर होती ने बहुत बड़ी चोट दी है। 16 जुलाई को फिर होती ने इसराइल से प्रतिशोध में लाल सागर को बारूद से धतका दिया। अड़तालीस घंटे में होती ने लाल सागर में 3 मालवाहक जहाजों पर हमले किए हैं। मालवाहक जहाजों पर समुद्री ड्रोन और कामिकाजे ड्रोन से हमले किए गए हैं। इन हमलों में ऑयल टैंकर बेंटले 1 चियोस लाइन ध्वस्त हो गए हैं। इसके साथ ही इराकी रेजिस्टेंस फोर्स के साथ मिलकर भूमध्य सागर में ओलिविया मालवाहक जहाज को नष्ट कर दिया है। ये होती के हमले से ध्वस्त हुए चियोस लाइन जहाज की तस्वीरें हैं जो होती प्रवक्ता याह्या सारी ने जारी की है।
हिजबुल्ला और होती ने इसराइल को मिलकर घेर लिया है। होती के हमलों से इसराइल के हाइफा और इलात पोर्ट करीब करीब बंद हो चुके हैं। होती ने लाल सागर से इसराइल का कनेक्शन काट दिया है और अब हिजबुल्ला भूमध्य सागर में उसके एनर्जी इंफ्रा को नष्ट करना चाहता है। अगर हिजबुल्ला का प्लान कामयाब रहा तो इसराइल पर समंदर से ज्वालामुखी फटना तय। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान की फ्रंट लाइन से, जो रूस यूक्रेन का युद्ध है। फ्रंट लाइन पर रूस यूक्रेन सेना की भिड़ंत है। रूसी इन्फेंट्री का यूक्रेनी पोस्ट पर हमला देखने को मिला। घातक हमले में यूक्रेन के कई जवानों की मौत हो गई है। अड़तीस साल पहले सोवियत रूस के चेर्नोबिल शहर, जो कि फिलहाल यूक्रेन का हिस्सा है, वहां मौजूद परमाणु प्लांट में विस्फोट हुआ। एटमी प्लांट में धमाके के साथ रेडिएशन फैला, जिसने 50 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। आज भी चेर्नोबिल रेडिएशन का दंश झेल रहा है, मगर कुछ ऐसी ही तबाही बीती रात रूस में होने वाली थी, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया, जिससे प्लांट की 2 यूनिट जलकर राख हो गई। दक्षिणी रूस समेत पूरा क्रीमिया ब्लैकआउट हो गया। यकीन मानिए, अगर यह हमला और ज्यादा विध्वंसक होता तो रूस से यूरोप तक रेडिएशन प्रकोप से हाहाकार मच जाता। आखिर कैसे, आप ही देखिए। ड्रोन मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार, और उसके बाद आसमान में उठता बारूद से सना धुएं का गुब्बार। तस्वीरों में आगजनी और धुएं से दहल रहा जो प्लांट दिखाई दे रहा है, वो यूक्रेन का नहीं बल्कि रूस का है। जिसे यूक्रेनी सेना ने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए तहस नहस किया है। वो भी पुख्ता प्लानिंग के साथ। दरअसल यूक्रेनी ब्रिगेड ने दक्षिणी रूस के रोस्तोव प्रांत पर हमला किया, रोस्तोव में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया। एटमी प्लांट पर हमले से पहले यूक्रेन ने रूसी डिफेंस को भेदा, रोस्तोव प्रांत में तैनात S-300 और S-400 को तबाह किया। यूक्रेन के इस हमले से क्रेमलिन में खलबली मच गई, क्योंकि यूक्रेन की घातक मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोन ने रूस के दूसरे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट किया। आसमानी प्रहार में उसकी इमारत और रिएक्टर को नुकसान पहुंचा। पहली बार इतने विध्वंसक अंदाज में यूक्रेन ने रूस के किसी परमाणु प्लांट पर हमला किया। अब सवाल यह है कि रूसी प्लांट को दहलाने के लिए जेलेंस्की ने किस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, और यूक्रेन के किस कोने से रूस के एटमी प्लांट को टारगेट किया।
जंग के 870 दिन के बाद यूक्रेनी सेना के एक हमले से क्यों एटमी विनाश का खतरा मंडराने लगा, कैसे रूस से लेकर यूरोप तक रेडिएशन फैलने का डर सबको सताने लगा। तो आपको ये बता दें कि बीती रात यूक्रेन ने दक्षिणी रूस के रोस्तोव रीजन पर ATACMS टैक्टिकल मिसाइलों से भीषण हमला किया। दावा किया जा रहा है कि मारियोपोल से दागी गई ATACMS मिसाइलों ने रोस्तोव प्रांत के वोल्गोडोंस्क इलाके में कहर बरपाया। ATACMS मिसाइल ने करीब 323 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए वोल्गोडोंस्क में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया। यूक्रेन के मिसाइल हमले से वोल्गोडोंस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट की दो यूनिट में भीषण आगजनी हुई। परमाणु पावर प्लांट से धुएं का गुबार भी आसमान में उठने लगा। रोस्तोव में ATACMS के जलजले के बाद वोल्गोडोंस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट को फौरन शटडाउन करना पड़ा। जिस तरह यूक्रेन ने पहले रोस्तोव के सुरक्षा कवच को तोड़ा, फिर प्लांट पर मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने पूरी प्लानिंग के साथ रोस्तोव न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को अंजाम दिया। और जानते हैं इस हमले का रूस ही नहीं बल्कि क्रीमिया तक पर असर पड़ा। रोस्तोव न्यूक्लियर प्लांट बंद होने से बिजली सप्लाई ठप हुई। दक्षिणी रूस और क्रीमिया के कई इलाके ब्लैकआउट हो गए। रोस्तोव पावर प्लांट 1011 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। इस परमाणु संयंत्र में करीब 6 पावर यूनिट का संचालन होता है। रोस्तोव के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि भले ही इस हमले में रोस्तोव पावर प्लांट की दो यूनिट को ही नुकसान पहुंचा हो, मगर हमले और ज्यादा भयावह होते तो रूसी न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्शन उसकी चपेट में आते। तो यकीन मानिए, परमाणु प्लांट में विस्फोट के साथ रेडिएशन निकलता और वो पूरे रूस को तो अपनी चपेट में लेता ही, इसके साथ साथ यूरोप पर भी रेडिएशन फैलने का खतरा मंडराने लगता। आपको बता दें कि करीब 38 साल पहले यानी 26 अप्रैल 1986 को सोवियत संघ के शहर चेर्नोबिल, जो कि मौजूदा वक्त में यूक्रेन का हिस्सा है, वहां बने पावर प्लांट में एक विस्फोट हुआ। हालांकि वो एक हादसा था। मगर परमाणु प्लांट में धमाके से 40 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्लांट से निकले रेडिएशन की चपेट में 50 लाख लोग आए। एटमी प्लांट में हादसे के बाद लोग कैंसर जैसी बीमारियों से मर रहे हैं। आज भी चेर्नोबिल प्लांट से निकले रेडिएशन का दंश झेल रहा है। आज भी वहां लोग तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में अगर रूस के रोस्तोव प्लांट में भीषण धमाका होता, अगर प्लांट में बने रिएक्टर फटते, तो उससे निकला रेडिएशन, लीक हुई हाइड्रोजन गैस चेर्नोबिल से कई गुना ज्यादा तबाही फैला सकती थी, और इस तबाही का दायरा रूस से लेकर यूरोप तक भी हो सकता था। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने अमेरिका के ऑर्डर के बाद रोस्तोव परमाणु प्लांट पर हमला किया, वो भी अमेरिकी अटैकेबल टैक्टिकल मिसाइल के जरिए। हालांकि यूक्रेन ने इस हमले में अटैकेमिस के इस्तेमाल पर चुप्पी साध रखी है, मगर इस हमले के बाद क्रेमलिन ने यूक्रेन और अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। भड़के पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन में तबाही बचाने का ऑर्डर भी दे दिया, जिसके बाद डोनेट्स्क के कई इलाकों पर भीषण बमबारी की गई। रक्तपात के बाद कई इलाकों पर कब्जा कर रूसी झंडा लहराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
रूस और नेटो में महाजंग होकर ही रहेगी। इस एटमी जंग को कोई नहीं रोक सकता है। इस महायुद्ध की पटकथा काफी पहले से तैयार हो रही थी, लेकिन पिछले 24 घंटे में इस पर फाइनल मोहर तब लग गई जब नेटो ने पहली बार इस बात की घोषणा कर दी है कि वो रूस से एटमी जंग की तैयारी कर रहा है। इस ऐलान के साथ ही रूसी नौसेना ने 7 समुद्र में एटमी तैनाती पर यूरोप को घेर लिया है। माना जा रहा है कि रूस यूरोप में मौजूद नेटो देश पर हमला करने वाला है। सवाल यही है कि अगर रूस और नेटो में एटमी जंग शुरू हुई तो इसका अंजाम क्या होगा। रूस तैयार है, नेटो ने कमर कस ली है, दोनों गुटों की तरफ से करीब करीब हर फ्रंट पर तैनाती हो गई है। अब तीसरे विश्व युद्ध का विस्फोट होने जा रहा है। रूस और नेटो की एटमी टक्कर होने जा रही है। इस महाविनाश का एपिसेंटर बनने जा रहा है यूरोप। पिछले 24 घंटे में रूस और नेटो की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, दोनों में जिस तरह से आमना सामना हुआ है, वो यही ऐलान कर रहा है कि अब दुनिया को एटमी तबाही से कोई नहीं बचा सकता। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर नेटो की तरफ से पहली बार बहुत बड़ा ऐलान हो गया है। नेटो ने पहली बार सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है कि वो रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेस ड्यूडा ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस और नेटो में किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है, इसीलिए नेटो रूस से युद्ध की तैयारी में जुटा है। डूडा के इसी बयान के बाद पुतिन और उनकी सेना का ऑपरेशन यूरोप शुरू हो गया है। रूस, चीन और बेलारूस का जो गठबंधन है, उसने नेटो पर हमले का अभ्यास शुरू कर दिया है। रूसी नौसेना की नॉर्दर्न फ्लीट ने बैरेंट्स सी में एक्सरसाइज कर नेटो के खिलाफ गर्जना की, तो बेलारूस और चीन ने पोलैंड के बॉर्डर पर शक्ति प्रदर्शन कर नेटो को सीधी चेतावनी जारी की। वहीं बाल्टिक सी के ऊपर आसमान में रूस के SU-30 और स्पेन के F-18 में आपका सामना हुआ। दिखाने के लिए हिपोदेन के करीबी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने नेटो के खिलाफ अब तक की सबसे विध्वंसक हुंकार भर दी है। लुकाशेंको ने कहा है कि बेलारूस युद्ध के खिलाफ है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पुतिन ने न सिर्फ अपने सहयोगियों को एक्टिव कर दिया है, बल्कि पूरे यूरोप की घेराबंदी कर दी है। रूस ने यूरोप को चारों ओर से घेर लिया है। रूस की ये वो घेराबंदी है जिसे भेद पाना नेटो के बस की बात नहीं है। असल में यूरोप की एटमी घेराबंदी है। कैस्पियन सी, काला सागर, भूमध्य सागर, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, बैरेंट्स सी और व्हाइट सी, ये वो 7 समंदर हैं जहां रूसी नौसेना ने अब तक की सबसे बड़ी तैनाती कर दी है। रूस ने यह कदम यूरोप को चारों तरफ से घेरने के लिए उठाया है। ये एक तरह से नेटो को सख्त संदेश है। 7 समंदर में रूसी नौसेना ने डिप्लॉयमेंट कर नेटो को चेतावनी दे दी है कि उसकी एक गलती यूरोप विनाश की वजह बन जाएगी।
रूसी नौसेना ने इन सातों फ्रंट पर युद्धपोत और पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। रूसी वॉरशिप खतरनाक मिसाइलों के साथ साथ एटमी मिसाइलों से लैस है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन का ऑपरेशन यूरोप लॉन्च होने जा रहा है। रूस यूरोप में एटमी विस्फोट करने की तैयारी कर चुका है। रूस बस एक मौके की तलाश में है। मौका मिलते ही यूरोप में कई देशों पर एक साथ वज्रपात करने की तैयारी है। इस बात के संकेत रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ और पुतिन के राइट हैंड दिमित्री मेदवेदेव की धमकी से मिला है। मेदवेदेव ने कहा है कि यूक्रेन को अगर नेटो मेंबरशिप मिली तो यह रूस के खिलाफ जंगे ऐलान होगा। मेदवेदेव के इस बयान का मतलब यह हुआ कि अगर नेटो यूक्रेन को सदस्यता देता है तो रूस इसे अपने खिलाफ युद्ध मानेगा और नेटो देशों पर हमला करने को स्वतंत्र होगा। रूस और नेटो में संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जबरदस्त जुबानी जंग हुई। रूस और चीन ने मिलकर अमेरिका को घेर लिया। अमेरिका पर दूसरे देशों को युद्ध की आग में झोंकने का आरोप लगाया। अमेरिका ने भी रूस और चीन को ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। जिस वक्त रूस चीन और अमेरिका के बीच यूएन में ये जंग हो रही थी उसी वक्त ब्रिटेन का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट खार्कीव के पास पहुंच गया। इस बात से आग बबूला रूस ने ब्रिटेन को इस्कंदर मिसाइलों से तबाह करने की धमकी दे डाली। फिलहाल रूस और नेटो में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। ये वो तनाव है जो तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। ये वो टकराव है जो एटमी महायुद्ध का ट्रिगर दबा सकता है। ये वो दुश्मनी है जो यूरोप के कई देशों के लिए काल बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9, भारतवर्ष। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के तार ईरान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका को खुफिया इनपुट मिला है कि इस हमले की पूरी साजिश ईरान में रची गई थी। ट्रंप की हत्या कर ईरान सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन इस पूरी थ्योरी में एक ट्विस्ट है। दरअसल दावा है कि अटैक का इनपुट अमेरिकी खुफिया विभाग के पास पहले से था। ऐसे में सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला कैसे हो गया, क्या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है? इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। तारीख 4 जून 2020, जगह अमेरिका। जनरल सुलेमानी की मौत को 24 घंटे भी नहीं बीते थे, ईरान आंसुओं के सैलाब में डूबा था कि 11,000 किलोमीटर दूर बैठे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए और ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत की जिम्मेदारी ली। ठीक 4 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हमला हुआ। हमले में ट्रंप तो बच गए, लेकिन इसकी साजिश के तार अब ईरान से जुड़ने लगे।
दावा किया जा रहा है कि ट्रंप पर हमले के पीछे ईरान का हाथ था और हमले की प्लानिंग लंबे वक्त से चल रही थी। सही मौका मिलते ही हमले को अंजाम दिया गया, लेकिन निशाना चूक गया। हमले में ईरान का हाथ होने के खुफिया इनपुट अमेरिका की सीक्रेट एजेंसियों को मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि एजेंसियों के पास हमले का इनपुट पहले से ही था। डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक के इनपुट होने की वजह से पेंसिल्वेनिया में हुई रैली में ट्रंप की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इसके लिए ज्यादा जवानों की तैनाती की गई, लेकिन उसके बाद भी ट्रंप पर गोली चली, लेकिन वो बाल बाल बच गए। इसे लेकर व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एड्रिन वॉटसन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है, ईरान की तरफ से ट्रंप हमले के इनपुट कई बार मिले हैं। ईरान पूर्व राष्ट्रपति से सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहता है। शनिवार को ट्रंप पर हुए हमले की जांच जारी है। फिलहाल हम इस पर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकते। व्हाइट हाउस अब तक शूटर और ईरान के बीच डायरेक्ट कनेक्शन होने के सबूत नहीं होने की बात कर रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिका सीक्रेट सर्विस की नाकामी छिपाने के लिए सबूत दुनिया से छिपा रहा है, जिसकी गवाही ये तस्वीर है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप को जिस शूटर ने शूट किया उसके पास एक ट्रांसमीटर था। ये उसी ट्रांसमीटर की तस्वीर है। जिस इमारत की छत से शूटर ने गोली चलाई, इस ट्रांसमीटर को उसी छत से बरामद किया गया था। FBI ने ट्रांसमीटर बरामद तो किया, लेकिन आरोप है कि खबर दुनिया से छिपा ली गई, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर एक, क्या हमले के वक्त शूटर किसी के संपर्क में था? सवाल नंबर दो, क्या FBI किसी को बचा रही है? सवाल नंबर तीन, क्या FBI सीक्रेट सर्विस की नाकामी छिपा रही है? सवाल शूटर की काबिलियत को लेकर भी उठ रहे हैं। अब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटर महज एक 20 साल का लड़का था, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन फिर भी उसका निशाना बेहद सटीक था। इस एनिमेटेड वीडियो से समझिए, शूटर ने ट्रंप के सिर का बिल्कुल सटीक निशाना लगाया था। गोली उनके सिर को भेदते हुए आर पार निकल जाती, लेकिन आखिरी मिली सेकेंड्स में ट्रंप ने सिर को थोड़ा घुमा दिया, जिससे शूटर की गोली उनके कान को छूकर निकल गई। माना जा रहा है कि ये हमले एक फूल प्रूफ प्लान का हिस्सा थे, जिसे लंबे वक्त से ईरान में रचा जा रहा था, लेकिन इसकी भनक तक अमेरिका को नहीं लगी। ट्रंप की हत्या से ईरान को दो फायदे होते। नंबर एक, जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला, और नंबर दो, अमेरिका में गृह युद्ध के हालात। दरअसल ट्रंप की मौत से रिपब्लिकन समर्थक भड़क जाते और अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती। ट्रंप भले ही बच गए हों, लेकिन अमेरिका में अभी भी अशांति का ट्रेलर दिख रहा है। हाल ही में FBI की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में देश में राजनीतिक संघर्ष की आशंका जताई गई है। दावा है कि ट्रंप समर्थक बदला लेने के लिए हिंसा का सहारा ले सकते हैं। कई ऑनलाइन ग्रुप्स ने भी हमले के बदले हिंसा की धमकी दी है। अमेरिका में हुए सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि देश में गृह युद्ध के हालात पैदा हो रहे हैं। इस सर्वे में शामिल 80% लोगों ने माना है कि अमेरिका हिंसा की तरफ बढ़ रहा है, यानी 5 में से 4 अमेरिकी हिंसा की बात को स्वीकार करते हैं। सोचिए, ये हालात तब है जब ट्रंप हमले में बच गए। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो अमेरिका की सड़कों पर कितना बवाल होता और ईरान का बदला पूरा हो जाता। हालांकि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश से इनकार किया है। ईरानी विदेश मंत्री अली वाघेरी ने कहा है, आरोप पूरी तरह से गलत है। ईरान के लिए ट्रंप एक अपराधी है। वो जनरल सुलेमानी की हत्या के दोषी है। अदालत में उन पर मुकदमा चलाकर दंडित करना चाहिए। ईरान ट्रंप को कानूनी रास्ते से दंड देगा। ईरानी हमले की साजिशों से अलग कुछ थ्योरी ऐसी भी हैं, जिनमें ट्रंप पर हमले के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, एक बड़ी गहरी साजिश की बात कही गई है। कैसे? उसे इस एनिमेशन से समझिए। जिस दिन ट्रंप पर हमला हुआ, तब वो पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उनके पीछे दाईं दिशा में सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स मौजूद थे, जिनका जिम्मा दूर से खतरों को भांपकर ट्रंप की सुरक्षा का था। वहीं बाईं तरफ मौजूद इमारत के ऊपर शूटर छिपा था। शूटर और स्नाइपर बिल्कुल आमने सामने थे। ऐसे में स्नाइपर्स के शूटर को नहीं देख पाना बेहद अटपटा लगता है। ट्रंप की हत्या के आरोपों के सेंटर में भले ही ईरान है, लेकिन शक की सुई कई और लोगों पर भी उठती है। वो नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने।
युद्ध के मैदान में यूक्रेन के साथ साथ नेटो को बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है। 5 नेटो देश यूक्रेन को करीब 60 F-16 लड़ाकू विमान देने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये लड़ाकू विमान यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, लेकिन पुतिन और उनकी सेना के पास इन्हें काउंटर करने का प्लान तैयार है। रूसी सैनिकों को F-16 ऑफर, सवाल यही है कि आखिर ये F-16 ऑफर क्या है, इसके जरिए रूस नेटो के F-16 प्रोजेक्ट को कैसे फेल करने जा रहा है। युद्ध में नेटो के टैंक लेपर्ड की तबाही। अमेरिका के अब्राम्स टैंक को रूस ने ऐसे नाकाम किया कि उसे युद्ध के मैदान से हटाना पड़ा। इसी तरह रूसी सेना ब्रैडली व्हीकल्स की भी कब्र खोद रही है। कुछ ऐसा ही हाल उन F-16 लड़ाकू विमानों का भी होने वाला है जो यूक्रेन को मिलने वाले हैं। जी हाँ, रूस ने जिस तरह से लेपर्ड, अब्राम्स जैसे पश्चिमी देशों के हथियारों को खत्म करने के लिए इनाम की घोषणा की थी, उसी तरह F-16 को जलाने के लिए भारी भरकम धनराशि देने का ऐलान कर दिया है। रूस का जो सैनिक सबसे पहले F-16 को तबाह करेगा उसे 1.5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाए। इनाम देने की यह घोषणा रूस की एक कंपनी ने की है। कंपनी का नाम है फोर्स। यही कंपनी F-16 को उड़ाने वाले पहले सैनिक को न सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए देगी बल्कि उसका सम्मान भी करेगी। अमेरिका, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड्स, ये वो 5 देश हैं जो यूक्रेन को 60 F-16 लड़ाकू विमान देने जा रहे हैं। ये लड़ाकू विमान युद्ध में न सिर्फ रूस के लिए मुसीबत बन सकते हैं बल्कि युद्ध को पूरी तरह से बदल भी सकते हैं। ये बात न सिर्फ रूस की सेना जानती है बल्कि रूस के लोग भी जानते हैं। यही वजह है कि ये कंपनी ने F-16 का खात्मा करने वाले जंगबाज को अवार्ड देने का ऐलान किया है। जंग में ये कोई पहली बार नहीं है जब रूस ने नेटो के हथियार को तबाह करने वाले अपने सैनिकों को इनाम देने को कहा है। इससे पहले रूस ने अब्राम्स और लेपर्ड जैसे पश्चिम के शक्तिशाली टैंकों को खत्म करने के लिए भी अपनी सेना को यही ऑफर दिया था। रूस का ये ऑफर काफी कारगर साबित हुआ था। रूसी सैनिकों ने इन हथियारों को जंग में टिकने नहीं दिया। रूसी सेना ने इन्हें पूरी तरह से तबाह किया। अब ये यूक्रेन की जंग में एक फेल हथियार के तौर पर जाने जाते हैं। इस सफलता के बाद रूस ने यही रणनीति F-16 के खिलाफ भी बनाई है। इसके साथ ही रूस ने अब पश्चिम से आ रहे सभी बड़े और खतरनाक हथियारों को काउंटर करने के लिए अलग अलग प्लान बनाया है। ये वो प्लान है जिससे यूक्रेन और नेटो की राह कठिन हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।